थार, वन ऑफ द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट डेजर्ट्स। भारत और पाकिस्तान की सरहद पर मीलों दूर तक फैला रेगिस्तान। यहाँ रेतीले तूफानों की गोद में मौजूद है राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल। राजस्थान में जहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, वहीं इस अनोखे स्कूल में एक भी एयर कंडीशनर नहीं है। वेस्टर्न डिजाइन, इंडियन क्राफ्टमैनशिप और नेचर को बाखूबी इस्तेमाल करने वाला ऐसा स्कूल जिसमें थार डेजर्ट के झुलसा देने वाली गर्मी में भी एसी की जरूरत नहीं पड़ती। चौंक गए। दरअसल जब यूएस से आई आर्किटेक्ट डायना केलॉग इसे डिजाइन कर रही थी ना, तो उन्हें पता चला कि गर्मी से बचने का सलूशन तो जैसलमेर के पत्थरों में ही मौजूद है। We started talking to builders and contractors about doing the school. I sort of said, what about concrete or what about, you know, brick or what about, and they said, no, stone. We can do anything you want in stone. ये पीला पत्थर हमारी जैसलमेर की पहचान है। स्कूल की बिल्डिंग सैंडस्टोन से बनी है और यही वो पत्थर है जो बिल्डिंग को ठंडा रखने में मदद करता है। और इस पत्थर पर कारीगरों ने अपना करिश्मा दिखाया। मिस्त्री की गणित होती है, उसमें ये बताया जाता है कि आप जितनी हाइट ऊपर लोगे सीलिंग की, उतना आपका रूम ठंडा रहेगा। बिल्डिंग का एलिप्टिकल शेप, ऊंची छत और जगह जगह लगी जालियां धूप को दूर रखते हैं। इसका अनोखा आकार हवा के बहाव को कंट्रोल करता है और एक कूलिंग पैनल का काम करता है। ये छत हमारा आरसीसी का है। आरसीसी कभी भी हीट को नहीं रोकता। हीट को रोकने के लिए आपको कोई भी ट्रीटमेंट करना होता है। तो हमने सीलिंग के नीचे लाइम प्लास्टर किया है और ऊपर जो टाइल्स होती है, चीनी मिट्टी की टाइल्स होती है, उसकी टुकड़ी बना के हम लगाते हैं ताकि जो ऊपर की गर्मी होती है तो उसको नीचे तक न जाने। लेकिन यहाँ सिर्फ सूरज की गर्मी से बचा नहीं जाता, उसका इस्तेमाल भी किया जाता है इन यूनिक सोलर पैनल्स की मदद से। इनसे जनरेट होती है स्कूल की इलेक्ट्रिसिटी और ये स्कूल बनता है एक्सट्रीमली एनवायरमेंटली फ्रेंडली। Sunlight is very abundant in that part of the world, and so I felt it was very important to kind of insist that we use solar power. सोलर प्लांट खाली बिजली के लिए नहीं था, और भी हमने दिमाग लगाया था कि जहाँ से सीढ़ी चढ़ रही है उसके ऊपर छाई भी रहे। छाई रहने की वजह से वो क्या है कि जो भी बच्चे ऊपर जाएंगे छत पे तो उनको धूप में नहीं जाना पड़ेगा, अच्छा वहाँ बैठ भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वाकई राजस्थान के बीच शान से खड़ा ये स्कूल इस बात का सबूत है कि भारतीय कारीगरों के हुनर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं कारीगर नहीं बचे, हकीकत की बात ये है कि करवाने वाले हो तो आज भी कोई भी काम स्टोन का इम्पॉसिबल नहीं है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता। और जानते हैं इस खूबसूरत स्कूल को एक खास मकसद से बनाया गया है। The vision is to help the local girls that are really in need of an education and opportunities, and also fold in the fact that people can visit the site and engage in them. So we can bring great educators, designers, artists, people from all over India, Europe, and US to actually work with this project and to enhance it. बेहद नेक मकसद से बनाया गया राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल भारतीय कारीगरों के जबरदस्त हुनर और वेस्टर्न प्लानिंग का एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है। A lot of the men who worked on the project, their daughters are going to be going to school there. So that's kind of a lovely full circle. Everybody seems so excited to send their girls to school, and to me, that's like key because that's the success of the whole project. क्या बात है? थार डेजर्ट की रिकॉर्ड तोड़ती गर्मी में एक तरफ ये स्कूल बिना एसी के ठंडा रहने की काबिलियत रखता है, तो वहीं इन नन्हे चेहरों पर मीठी सी मुस्कान की वजह भी बन गया है।